मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट सिटी के राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, मध्य प्रदेश का इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कई बड़े आयोजन यहां हो चुके हैं और उसी की विश्वसनीयता को लेकर यह जो आयोजन है इंदौर को दिया गया है। इसके पहले G20 का सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और कई ऐसे बड़े आयोजन इंदौर में राष्ट्रीय स्तर के हो चुके हैं और उसकी जो जिस प्रकार से वो आयोजन जो सफल हुए हैं उसी को लेकर इंदौर को यह आयोजन दिया गया है। हम आपको बता दें 27, 28 और 29 सितंबर को यह जो आयोजन है इंदौर में होना है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश की सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी शामिल होगी और उसी में 100 शहरों के स्मार्ट सिटी के जनप्रतिनिधि, अफसर और अधिकारी इस पूरी मीटिंग में शामिल होंगे और यहाँ पर यह जो मीटिंग है इसकी पूरी जवाबदारी इंदौर के जनप्रतिनिधियों को दी गई है। इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने इस मीटिंग को लेकर खासा तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है और देश और विदेश में जिस प्रकार का नाम इंदौर का एक ऊंचे पटल पर यहाँ पर लगातार बना हुआ है, चाहे हम बात करें स्वच्छता को लेकर या फिर स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं उनको लेकर, लगातार जो है इंदौर कहीं ना कहीं एक नए आयाम यहाँ पर छू चुका है और उसी को लेकर यह जो आयोजन है इंदौर को दिया गया है। काफ़ी बड़ी बात है, इंदौर में इस प्रकार से जो पहले बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं तो इंदौर के जो अफसर हैं, इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं और वहीं इंदौर के जो लोग हैं उनके जो प्यार और दुलार को देखते हुए यह आयोजन इंदौर को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आयोजन होता है काफ़ी बड़ा और सफल आयोजन बिना किसी परेशानी के, बिना किसी यहाँ पर झिझक के यह आयोजन संपन्न होता है और उसी को लेकर इस आयोजन की कमान जो है इंदौर को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर पहली बार इंदौर में यह जो स्मार्ट सिटी का जो वार्षिक सम्मेलन है वो होने जा रहा है और उसकी तैयारी भी यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पर तैयारी यहाँ इंदौर के लोगों को सौंपी गई है। इंदौर के लोग आवभगत के लिए भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस वक्त इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।